नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सरला। आज हमारे जो आपके कंपटीशन में आरएस पटवारी या फिर ऑल कंपटीशन है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में बताना चाहूंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री इसके ट्रिक्स है एचवी वायरस, एचवी ऐसे याद रख सकते हैं, एचवी वायरस, जयपुर की टीवी, एमबीएस का पैमाना, भज जगन्नाथ की मां, भज जगन्नाथ की मां, एस डबल एच एस एच बी ए वी ए वी ए। इससे हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरे मुख्यमंत्री आपको लर्न हो जाएंगे। एच फोर हीरा लाल शास्त्री, जिनका कार्यकाल, पहले मुख्यमंत्री का आपको कार्यकाल डेटा याद रखने हैं, 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951। ये हमारे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है। उस समय इलेक्शन नहीं हुए थे, इसलिए ये मुख्यमंत्री कहलाएगी मनोनीत। फिर देखिए वी फोर वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य वी फोर से हमने सी एस को उड़ा, सी एस वेंकटाचार्य। आप देखिए ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जो आईएएस थे, उनको भारत सरकार ने नॉमिनेट किया था। ये 5 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 ये हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत सरकार ने मनोनीत किया था, क्योंकि आईएएस ऑफिसर, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, आईएएस थे, तो इनको भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। फिर देखिए जे जे फोर जे नारायण व्यास, अब आगे आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक्स से हम पे ही डिपेंड कर जाएगा। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास जिसे हम शेरे राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, और ये जोधपुर से हैं, अगर आप चाहें तो ये जयपुर जिले से हैं, जय नारायण व्यास। अब आप इसको, ये भी उस इलेक्शन नहीं हुए थे तो ये भी हमारे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कहलाएंगे, जय नारायण व्यास। चाहें तो आप इसका जो कार्यकाल है वो 26 अप्रैल 1951 से 13 मार्च 1952, 26 अप्रैल 1951 से 13 मार्च 1952। वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर ये ट्रिक्स याद कर लेते हैं तो आपको ये जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये यहाँ तक हम जो स्टेप है वो मनोनीति चल रहा है। फिर देखिए टी, टी फोर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, लोकतांत्रिक सरकार आ जाती है, लोकतांत्रिक या निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर आप देखिए वी, वी फोर जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अब ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी है, निर्वाचित और मनोनीत। 26 अप्रैल 1951 से लेकर हम बात करें तो ये जो राजस्थान, यहाँ से यहाँ इनका कार्यकाल था 51 में, क्योंकि यहाँ कम रहे थे जनरल, लेकिन हैं, और ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इसको इस तरह से आपको याद करना है कि ये राजस्थान के निर्वाचित भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, निर्वाचित
और मनोनीत मुख्यमंत्री है, एकमात्र मुख्यमंत्री है जो निर्वाचन और मनोनीत भी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए, केवल निर्वाचित की बात आएगी तो आप कहेंगे टीकाराम पालीवाल, और निर्वाचित और मनोनीत की बात आएगी तो जय नारायण व्यास। अब देखिए यहां तक क्लियर। फिर एम मोहनलाल सुखाड़िया, अब यहां से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मोहनलाल सुखाड़े की बात करें आपको, तो ये जो उनका जो कार्यकाल था वो 13 नवंबर 1954 से लेकर 13 नवंबर, यहां से इनको थोड़ा सा डेटा याद कर सकते हैं क्योंकि इनका 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसको इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 71 तक यही चलेंगे, 9 जुलाई 1971 तक ये मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके समय जो आपातकाल लगा था 13 मार्च से 26, जो पहला आपातकाल लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के, वो 13 से 26 अप्रैल है, 13 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ये आपका प्रथम आपातकाल लगा था, 13 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967, यानी राजस्थान का पहला आपातकाल आप याद रख सकते हैं। राजस्थान का पहला आपातकाल किस मुख्यमंत्री के समय हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया, कब हुआ, 1967 में पहला आपातकाल लगा था, यहां से क्लियर। उसके बाद है बी फोर बरकतुल्ला खान, ये राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री है, बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है, और ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक, मुस्लिम से आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी क्रॉस हो सकता है, बी4 फिर आप एच फोर हरदेव जोशी। अब देखिए यहां से किस तरह का क्वेश्चन लागू होता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके समय संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और हरदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू करवाया। एक तो यहाँ से हरदेव जोशी का ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पुट अप हो सकता है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, वो हरदेव जोशी है, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले हरदेव जोशी है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो भज जगन्नाथ की माँ बहनी भैरव सिंह शेखावत, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, भैरव सिंह शेखावत, अब भैरव सिंह शेखावत की अपन बात करें, मैं तो आपको इसको ट्रिक्स को आपको याद करना है, थ्योरी तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी जब मैं सब बोल रही हूँ, लेकिन ये ट्रिक्स आपको लर्न करना जरूरी है क्योंकि यदि आप ये ट्रिक्स याद कर लेते हो तो डेटा की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल था हम बात करें तो जून 1977 से लेकर 1980 तक। अब देखिए यहाँ पर बात करें पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रथम बार जो निर्वाचित सरकार थी तो यहाँ पर मध्यावधि चुनाव हुए थे, ठीक है, तो ये जो हम बात करें मध्यावधि क्योंकि इनके समय भी 2 आपातकाल लागू हुए थे, हमारे राजस्थान में 4 आपातकाल लागू हो गए हैं, 1977, 1967, 1980 और 1992-93 में, तो ये राजस्थान में कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी परीक्षा में, बार बार रिपीट हुआ कि राजस्थान में कितने आपातकाल लागू हुए थे, तो राजस्थान के 4 आपातकाल लागू हुए थे, और वो उस समय भी पूछा जा सकता है कि किस किस मुख्यमंत्री के समय आपातकाल लागू हुए थे, तो आपको ये भी क्लियर करना है। तो भैरव सिंह शेखावत
बस जगन्नाथ की माँ भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ। यहाँ तक क्लियर हो गया हमने, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये ट्रिक्स बनाई है। जगन्नाथ यानी जगन्नाथ पहाड़िया, जैसे जगन्नाथ पहाड़िया। अब देखिए जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका जो बात करें कार्यकाल है वो 1980 से 81 तक ही रहा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि डेटा याद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बट आपको ये चीज थ्योरेटिकली याद करनी है कि राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो दलित है, तो जगन्नाथ पहाड़िया। फिर शिवचरण माथुर, एस फॉर शिवचरण माथुर, एस फॉर शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। ये आपको मैं वैसे रिवीजन करवा दूंगी, शिवचरण माथुर। अब देखिए शिवचरण माथुर भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है शिवचरण माथुर के बारे में कौन सी मतलब हिस्ट्री है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान के दूसरे गैर मुख्यमंत्री है, क्योंकि शिवचरण माथुर कहां से थे, मध्य प्रदेश से, एस फॉर शिवचरण माथुर। फिर आ जाता है एस फॉर हीरा लाल देवपुरा, हीरा लाल देवपुरा, एस फॉर इस एस फॉर शिवचरण माथुर और एस फॉर हीरा लाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा एकमात्र मुख्यमंत्री जो 16 दिन तक ही इनका कार्यकाल रहा है। बहुत वेरी क्वेश्चन है, सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री रहने वाले यही मात्र हैं जिनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, 23 फरवरी 1985 से 10, ध्यान रखना ये आप भूलना नहीं है, 10 मार्च 1985 सन वही रहेगा, 10 मार्च 1985। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, मात्र 16 दिन रहा है, तो आपको ये अच्छी तरह से लर्न करना है। फिर बाद में आ जाते हैं इस एच यानी यहाँ हीरालाल देवपुरा आ गए, हीरालाल देवपुरा के जस्ट बाद में हरदेव जोशी, हरदेव इस एच का मतलब हरदेव जोशी, हरदेव जोशी। मैंने आपको इनके बारे में बताया दिया कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे लेकिन 1 बार भी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका है। तो हरदेव जोशी का जो कार्यकाल की बात करें तो वो 10 मार्च 1985 से लेकर 1988 तक हो गया। अब देखिए फिर एस वापस शिवचरण माथुर जी आ गए, इनके बारे में मैंने बता ही दिया कि ये गैर राजस्थानी शिवचरण माथुर। उसके फिर एच, एच फोर 3 बार रहे हैं, तो ये वापस हरदेव जोशी, हरदेव जोशी शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी। अब देखिए उसके बाद में हरदेव जोशी के बाद में आ जाते हैं हमारा बी, बी फोर भैरव सिंह शेखावत। अब यहां से भैरव सिंह शेखावत, अब भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो मैंने आपको बताया सीकर जिले से बिलोंग करते हैं और बहुत ही ये एकमात्र जो मुख्यमंत्री है ये ऐसे हैं जिनके सामने 2 बार आपातकाल लगा था। और मोहनलाल, हम बात करें मोहनलाल सुखाड़े के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका लंबा कार्यकाल रहा है, वो कौन से है, भैरव सिंह शेखावत। तो हम बात कर लेते हैं भैरव सिंह शेखावत 1990 से 1992, ये दूसरी बार। फिर आप 93 से 98 तक कंटिन्यू यही रहे थे, 93 से 1998 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। इनके समय आपात चौथा आपातकाल लगा था, यानी 2 बार तो यही मुख्यमंत्री रहे थे जब इनके समय आपातकाल रहा था। तो ये क्वेश्चन लंबे समय तक आपका पूछे जाए कि राजस्थान के लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़े का, उनके दूसरे के बाद में इनका भैरव सिंह शेखावत का रहा कार्यकाल। फिर आप देखिए अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और वर्तमान में अशोक गहलोत हैं 17 दिसंबर 2018 से यही मुख्यमंत्री हैं। अब बात आ जाती है कि उस समय आपको एक क्वेश्चन बहुत वेरी महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो टीकाराम पालीवाल थे वो जयनारायण व्यास के समय क्या थे, उप मुख्यमंत्री, यानी क्योंकि पहले पहले क्वेश्चन हिस्ट्री बन रही है, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, तो टीकाराम पालीवाल जब
दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे जय नारायण व्यास के समय, तब ये उप मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान आपको पता ही है कि जब गहलोत हैं तो हमारे जो सचिन पायलट थे वो मुख्यमंत्री पायलट हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने 14 जुलाई 2020 को इस्तीफा दे दिया गया था, जबकि 17 दिसंबर 2018 से उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने 14 जुलाई को थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाने की वजह से, या फिर एक विचारधारा है जो नहीं मिलने राजनीति में चलती है वो नहीं मिलने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मतलब क्वेश्चन आपके जो रास्ता उनके मुख्यमंत्री को लेकर रहेगा, तो इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे या किस मुख्यमंत्री के समय आपातकाल लगा। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि पहला आपातकाल 1967 में, दूसरा आपात 1977 में, तीसरा आपात 1980 में और चौथा आपात 1992-93 में। ये जो आपातकाल है डेट भी नहीं पूछते हैं, तो अगर आप ये ट्रिक से याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। प्लस में आपको ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि उस समय एक बार जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमारे दो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, एक तो कमला बेनीवाल थे और एक बनवारी लाल बैरवाजी थे। तो इस तरह से आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस ट्रिक से आपको बार बार प्रैक्टिस करके करना है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है संगत असंगत या डेटास में तो भी गलत नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए प्लीज, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।